स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। किडनी कांड को लेकर सिविल सर्जन के साथ 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए सकरा स्थित क्लिनिक पहुंची। उप समारता पूर्वी के कार्यालय से सरेआम हुई लैपटॉप की चोरी। और SKMCH में भर्ती किडनी कांड की पीड़िता से मिलने पहुंचे सांसद अजय निषाद। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। किडनी कांड को लेकर सिविल सर्जन सहित 5 सदस्यीय टीम सकरा स्थित क्लिनिक पहुंची और स्थिति देखकर दंग रह गई। चर्चित किडनी कांड को लेकर मंगलवार को सिविल सर्जन उमेश चंद्र शर्मा शुभकांत क्लिनिक की जाँच करने पहुँचे। उनके साथ अन्य मेडिकल अधिकारी की टीम भी थी। बड़ियारपुर इलाके में स्थित शुभकांत क्लिनिक पहुँचते ही CS दंग रह गए। वहाँ केवल एक चौकी थी। उन्होंने कहा कि यह जगह किसी भी एंगल से ऑपरेशन करने लायक नहीं है। यहाँ तो शरीर के बाहर के किसी भी अंग का इलाज नहीं किया जा सकता। पेट खोलकर इलाज करना तो बहुत दूर की बात है। सिविल सर्जन ने पूरे नर्सिंग होम की छानबीन की। बाद में पुलिस के द्वारा नर्सिंग होम को जब्त मेडिकल इक्विपमेंट भी देखा गया। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन ने बताया कि जाँच चल रही है। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर कौन थे इसका पता किया जा रहा है। क्लिनिक के प्रिस्क्रिप्शन पर संचालक पवन कुमार और एक डॉक्टर का नाम दिखा है। इस डॉक्टर का पता किया जा रहा है। उन्होंने लोगों में जागरूकता बढ़ाने की अपील भी की है। बता दें कि शुभकांत क्लिनिक वही निजी अस्पताल है जहाँ बीते दिनों एक महिला की दोनों किडनी निकालने का मामला उजागर हुआ है। OP के बाजी में रहने वाली सुनीता देवी 33 का SKMCH में इलाज शुरू हो गया है। उसे ICU में पहले ही भर्ती कर लिया गया था। अब डायलिसिस भी शुरू कर दिया गया है। इससे मरीज के परिजन ने राहत की सांस ली है। अन्यथा सुनीता की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। उसके शरीर में सूजन होने लगी थी, लेकिन इलाज शुरू होने से उसके बचने की उम्मीद जग गई है। सदर अस्पताल से लेकर SKMCH की डॉक्टर की एक पूरी टीम इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। DM प्रणव कुमार भी इस पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा से पल पल की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मरीज के इलाज की उचित व्यवस्था करने को भी कहा है। ताला बंद, ये PO है, बोलते हैं, यहाँ आए थे कि यहाँ कोई मिलेगा, इसके कोई जानकारी मिलेगी तो बंद कर करके गायब है। ताला बंद है, इसमें कुछ हम बताने की स्थिति में नहीं है। सुनने में आया कि यहीं पर ऑपरेशन हुआ था, चौकी नजर आ रही है अभी तक, और कहीं कुछ नहीं। किसी भी एंगल से ही ऑपरेशन करने के लायक जगह जो भी बाहर से जो दृष्टि गोचर हुआ उससे नहीं लगा कि हाइड्रोसेल का है, हर्निया का जो सिंपल जो शरीर के बाहर का ऑपरेशन होता है वो भी करने के लायक नहीं है। पेट खोलना का तकलीफ थी। सर, प्रखंड में बहुत ऐसे अवैध नर्सिंग होम सब चल रहे हैं। बहुत सारे खोज चल रहे हैं बाबू, हम तो चाह रहे हैं कि ये सब रुके, लेकिन तुम लोगों से भी अपेक्षा होगी कि भाई बढ़िया से सहयोग करो, जन लोगों को थोड़ा सा जागृत करो कि सब लोग जागृत हो, दोनों में जागृत हो, खुलने भी नहीं दें और जो खुला हुआ है वहाँ कोई जाए नहीं, या बीच में जो दर्द वाले टाइप के आदमी है जो लोगों को जिसके पास शिक्षा नहीं है उसको उल्टा पलटा बरगला करके ले आकर के वहाँ उसका गहना बेचवा देता है, खेत बेचवा देता है, बकरी बेचवा देता है, ये सब बंद। जब तक जागृत नहीं होगी पब्लिक, जब तक के द्वारा सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक ये कुकुर मुक्ता के तरह ये बढ़ा हुआ जो उद्योग है, ये उद्योग पर अकेले मैं नहीं रोक पा रहा। क्या कुछ कार्रवाई होगा सर? बिल्कुल कार्रवाई होगी। जो भी विधि संपत्ति कार्रवाई है, FIR भी हुआ है, थाना में उसका भी सूचना जाएगा, और पहले से भी जो FIR हुआ है उसकी भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उसकी जो निकाली गई है उसका भी इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस चल रहा है, और आगे का प्लान बन रहा है कि उसको किडनी बदलवाने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है, कहाँ से किडनी मिल सकता है या कैसे उसका हो सकता है। जो भी उसके बेटरमेंट के लिए और उसका लाइफ बचाने के लिए प्रयास सरकार के स्तर पर हो सकता है उसमें हम लोग कहीं चुकने वाले नहीं हैं, प्रयास कर रहे हैं और आगे भी और ज़्यादा प्रयास हम लोग करेंगे ताकि उसको उसका किसी तरह से जान बचा ले। फर्जी नर्सिंग होम संचालन में सर आपके जो कर्मी हैं आशा, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, ये स्वार्थ का युग है, उसी में से एक आशा भी एक करी है, उसमें भी हाईलाइट कीजिए। सरकार कोई भी कदम उठाती है कोई सब सोच करके नहीं उठाती है कि उसका रास्ता जो है सर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। हमेशा सही रास्ता से आशा को लाया गया सिस्टम में, लेकिन थोड़ी सी उन लोगों की विकृति आ गई है, उस विकृति पर हम ध्यान देते हैं देंगे, और उसमें सहयोग आप लोगों की अपेक्षित है। जब तक हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं सही से मदद करेगा ना, तब तक नहीं होगा, पब्लिक नहीं जागृत होगी। नहीं,
इधर नर्सिंग होम के फरार संचालक के परिजनों पर पुलिस की दबिश बनी हुई है। उसके परिजनों से उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ की जा रही है। संदेह के आधार पर पुलिस सभी संभावित जगहों पर छापेमारी कर रही है। एसएसपी जयंत कांत ने डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे के नेतृत्व में एसआई टीम का गठन किया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ रेड कर रही है। फरार डॉक्टरों के नाम पते का भी सत्यापन किया जा रहा है। उप समारता पूर्वी के कार्यालय से सरेआम चोर ने कर्मचारी का लैपटॉप चोरी कर लिया। भूमि सुधार उप समारता पूर्वी कार्यालय से मंगलवार को एक लैपटॉप की चोरी हो गई। ज्ञात हो कि भूमि सुधार उप समारता पूर्वी कार्यालय को नगर निकाय चुनाव के लिए मीनापुर का नामांकन कार्यालय बनाया गया है, जिसमें पिछले 4 दिनों से नामांकन की प्रक्रिया जारी है। मंगलवार को दोपहर 1 बजे निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी निर्वाची कर्मी उपस्थित हुए। इसी के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति कार्यालय में घुसा और निर्वाची कर्मी के चार्जिंग में लगे लैपटॉप को निकालकर अपने बैग में रखकर वहां से चलता बना। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। निर्वाची कर्मी गुड्डू कुमार यादव ने नगर थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। गुड्डू कुमार यादव हुआ और मेरा यहाँ पर डिप्टेशन हुआ था निर्वाची पदाधिकारी नगर पंचायत मीनापुर में, भूमि सुधार उप समाहर्ता पूरी मुजफ्फरपुर में। यहाँ हम लोग नामांकन कार्य हेतु यहाँ हम लोग प्रतिनियुक्त हुए थे और आज लगभग 12:30 बजे से यहाँ मीटिंग था, तो उस मीटिंग में हम लोग जैसे यहाँ सब लोग यहाँ से निकले और यहाँ लैपटॉप हम लोग काम करके इसे छोड़ दिए थे। ये कोर्ट ऑफिस ही है सर का, पूरी मुजफ्फरपुर में कोर्ट ऑफिस है और यहीं से लैपटॉप गायब हुआ है। लगभग 1:07 पर वो सीसीटीवी कैमरा वक्त भी दिख रहा है कि 1:07 पर यहाँ से वो हम लोग का लैपटॉप सहित और उसका चार्जर भी यहाँ से कोई व्यक्ति उठा कर ले गया है। केवल लैपटॉप खोली हुआ या और भी कुछ? नहीं, लैपटॉप के साथ चार्जर भी दोनों साथ ही में था और दोनों यहाँ से उसको उठा लिया गया। हाँ बिल्कुल आया, उसमें उसका फोटेज भी है, उसका साथ साथ उसका वीडियो भी है। ये 1:07 में यहाँ से उठा हुआ है। हाँ अभी हम लोग उसके लिए स्वास्थ्य करा कर उस पर इनिशियल करा करके तब हम लोग अभी जा रहे हैं सर के पास वहाँ थाना में एफआईआर करने के लिए। नहीं, नामांकन अभी तक में शून्य है। और आज एक सब चोरी की घटना सामने आ रही है कि ऑफिस कार्यालय से लैपटॉप की चोरी हो गई है। लैपटॉप की चोरी हुई है, एक मेरा डाटा ऑपरेटर जो इसमें प्रतिनियुक्त हैं नामांकन के लिए, उनके टेबल पे लैपटॉप था। थोड़ी देर के लिए हम सबको बुलाए थे अपने चैम्बर में ट्रेनिंग देने के लिए, कुछ नई जानकारी देने के लिए नॉमिनेशन के संबंध में। इसी बीच में उस भीड़ में एक देख रहे हैं कि करीब 48-50 वर्ष का एक व्यक्ति है जो पॉलीथीन लिए घुसा है और अपने पॉलीथीन में वो लैपटॉप लेते हुए निकल गया है। उस पर हम लोग एफआईआर करवा रहे हैं, फुटेज भेज रहे हैं। सकरा थाना क्षेत्र के पंचदही गांव में निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गई। सकरा थाना क्षेत्र के परशुराम पंचदही गांव में एक और घर में चला निजी नर्सिंग होम के संचालक ने एक महिला की जान ले ली। महिला मुरादपुर गांव निवासी विलास राम की 32 वर्षीय पत्नी ललिता देवी बताई जा रही है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि ललिता देवी की तबीयत बीते रविवार 4 सितंबर को पेट में दर्द होने की शिकायत पर परशुराम पंचदही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सक गुड्डू कुमार ने इलाज किया तथा जांच कर बताया कि उनका पेशाब रुका हुआ है, इसके लिए पाइप लगाना होगा। गुड्डू कुमार एक काम करने वाली महिला को बुलाकर पेशाब के रास्ते में पाइप लगा दिया। गलत पाइप लगने की वजह से ब्लडिंग शुरू हो गई, इसी कारण उसकी हालत चिंताजनक हो गई। मरीज की हालत चिंताजनक देख परिजनों ने उसे मुजफ्फरपुर भर्ती कराया, जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों का कहना है कि प्राथमिक उपचार के दौरान चिकित्सक की लापरवाही के कारण महिला के शरीर से अधिक ब्लड निकल गया, जिसके कारण उसकी जान चली गई। ग्रामीण रूपेश कुमार ने बताया कि मृतक उसकी मौसेरी बहन है, जिसे फर्जी चिकित्सकों ने गलत इलाज कर उसकी जान ले ली। सब जनों ने शव को लेकर क्लिनिक पर रखा हंगामा शुरू कर दिया। चिकित्सक घर छोड़कर फरार है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पूर्व भी कई मरीजों की जान चिकित्सक की लापरवाही के कारण चली गई है। घटना की जानकारी पर सकरा एवं मनियारी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर
जांच शुरू कर दी है। मामला है कि पेशाब रुका हुआ था तो हम लोग इलाज करवाने के लिए लाए, जो कि हमारे पड़ोस में ही क्लिनिक है, तो यहाँ हम डॉक्टर साहब को कहे कि अगर सुई से ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो पेशेंट को छोड़ दीजिए। तो ये कहें कि ना ना ऐसे है, ऐसे पाइप लगाना होगा, ठीक हो जाएगा। कहाँ पे भर्ती कराते हैं? पसराम पचदही में ही, जो सकरा पड़ता है, हॉस्पिटल है एक छोटा सा, उसी में। कब मौत हुई है? मौत रविवार को आज 5:30 बजे हुई है। भर्ती कब करवाए थे मरीज को? भर्ती पिछले संडे को ही हुई थी, शाम में। उसमें जांच दिए हुए हैं, SMO साहब गए हैं जांच करने के लिए, जांच प्रतिवेदन आता है तो उसमें डिटेल हम आपको बताएंगे। सर, शहर से लेके सर गांव तक सर झोला छाप डॉक्टरों का सर ताता लगा हुआ, और इस बिना लाइसेंस के सर लोग इस पर जितने हमारे वो हैं चिन्हित हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी सूची मैं निकलवा दे रहा हूं, ताकि जो नॉन रजिस्टर्ड हैं उनको पकड़ में लाया जाए, पकड़ कर करके उन पर कार्रवाई की जाए। सर, सकरा किडनी वाले मामले में सर FIR भी हुई है? FIR तो शुरू में ही हुई है, आज वहाँ से भी सकरा थाना में भी हमारा वहाँ से अस्पताल का जो हमारा प्रभारी है उसको इंस्ट्रक्शन दिया अपने तरफ से वहाँ FIR। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के तीसरे नामांकन के दिन पहले प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 10 सितंबर से पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बरुराज, सकरा, मीनापुर और सरैया नगर पंचायत के लिए मुजफ्फरपुर में ही नामांकन की व्यवस्था की गई है। चारों नगर परिषद में नामांकन के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। चार नगर परिषद के लिए 4 अलग अलग निर्वाची पदाधिकारी हैं। जहां पहले 3 दिन एक भी नामांकन नहीं हुआ था, वहीं 4th दिन मंगलवार को बरुराज नगर पंचायत में 2 नामांकन हुआ। बरुराज निर्वाचन पदाधिकारी स्मृति कुमारी ने बताया कि वार्ड 11 से जावेद अहमद, जो अनारक्षित सीट है, वहीं वार्ड नंबर 14 जो अनुसूचित जनजाति अन्य के लिए है, वहां से दरोगा राम ने नामांकन किया है। सरैया नगर परिषद से भी 2 लोग ने आज नामांकन किया है, जिसमें एक मुख्य पार्षद के लिए तो दूसरा पार्षद के लिए वार्ड नंबर 6 से नामांकन हुआ है। मीनापुर और सकरा नगर परिषद में आज खाता नहीं खुला है। इसमें तो नहीं, आज मेरे यहाँ नामांकन नहीं हुआ। सकरा नगर पंचायत के हमारे हैं तो 10 तारीख से नामांकन चल रहा है। 10-11 को छुट्टी था, फिर 12 और आज 13। 3 दिन में एक भी नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन NR कटा है 80 से ऊपर। बरुराज नगर पंचायत की मैं निर्वाचित पदाधिकारी हूँ। अधिसूचना निर्गत होने के बाद 10 से 19 तक का नॉमिनेशन का टाइम शेड्यूल था। फिलहाल कल तक तो 0 नॉमिनेशन हुआ था, आज यहाँ 2 नॉमिनेशन हुए हैं। एक तो वार्ड नंबर 11 में, जो कि अनारक्षित अन्य के लिए रिजर्व नहीं है, मतलब अनारक्षित है, उसमें जावेद अहमद साहब जी का उनका हुआ है नॉमिनेशन। और वार्ड नंबर 14 से, जो कि अनुसूचित जाति अन्य के लिए आरक्षित है, उसमें दरोगा राम जी का नॉमिनेशन हुआ है। आज नामांकन का तीसरा दिन में आज 2 नामांकन हो पाया है, जिसमें एक जो है मुख्य पार्षद का नामांकन हुआ है और दूसरा एक पार्षद का हुआ है वार्ड नंबर 6 से। अभी तक तो 2 नामांकन आया है हमारे पास। नहीं, नामांकन अभी तक में 0 है। 102 निजी एम्बुलेंस चालक और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। वेतन मान समेत अन्य मांगों के समर्थन में जिला के 102 निजी एम्बुलेंस चालक और कर्मचारी मंगलवार से हड़ताल पर चले गए। इस कारण एम्बुलेंस सेवा पर व्यापक असर पड़ा है। बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ के तहत कर्मियों ने अपनी निजी कंपनी पर मनमानी करने और शोषण करने का आरोप लगाया है। हड़ताल की सफलता के लिए एम्बुलेंस कर्मियों ने सदर अस्पताल में धरना प्रदर्शन भी किया। हड़ताल का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष मोहम्मद मुस्लिम ने कहा कि उन लोगों से अधिक काम लिया जाता है, बावजूद इसके उन्हें प्रबंधन की ओर से न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है। फिलहाल 3 माह से उन लोगों का वेतन बंद है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग जब तक पूरी नहीं होगी, एम्बुलेंस नहीं चलेगा। सभी स्तर पर गुहार लगाकर थकने के बाद हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया है। और हम लोग का मांग है कि 5 महीना से पेमेंट नहीं मिला है, और किसी को 10 महीना, किसी को 15 महीना का PF बकाया है,
दूसरी बात है गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो ऑफिस में बुला के और कहा जाता है कि तुम गाड़ी को बनवाओ नहीं तो घर जाके बैठो। सर हमारा कहना है कि बीमा से गाड़ी क्यों नहीं बनाया जा रहा है जो चालक और टेक्नीशियन को छोटी मोटी त्रुटि में कॉज निकाल के और फंसा के और उसको निकाल बाहर किया जाता है। कई लड़का को ऐसे निकाल बाहर टर्मिनेट किया गया है और डीजल का पूर्ति नहीं समय पर होता है जिसका नतीजा एक साल से यह खेल चल रहा है। अब हमारा ये कंपनी का टेंडर समाप्त हो गया है, वैकल्पिक व्यवस्था में माह अप्रैल से लेकर सितंबर तक चला रहा है, अक्टूबर में किसका होगा ये मुझे पता नहीं। पूर्व में जैन वीडियो हर कर्मी को एक एक लाख रुपया करने के बाद अभी तक कोई प्रशासन भी नहीं आया है सर पूछने के लिए कि क्या आया ये हो गया या प्रशासन से सहमति नहीं बना। जनता में आज से हाहाकार मच गया है, सारे एम्बुलेंस जिला के बंद पड़ी है। हम लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग का मांग है कि जब तक सरकार और सरकार के मुखिया नियमितकरण या संविदा कर्मी पर बहाल नहीं करता तब तक श्रम कानून के तहत ही हम लोग को भुगतान करके दिया जाए। और हमको किसी भी कंपनी या किसी टेंडर के खिलाफ नहीं है, उसमें शोषण जो हो रहा है शोषण दोहन के खिलाफ है, उसी की आवाज़ लेके हम आप लोग के सामने आया हूँ और अपनी आपबीती सुना रहा हूँ। प्रेजेंट में 8 घंटा ड्यूटी लेने के बजाय 12 घंटा ड्यूटी ले रहा है। 2012 से हम 12 घंटा ड्यूटी करते आ रहे हैं, अभी तक अतिरिक्त नहीं मिला। जिला उपभोक्ता आयोग में धोखाधड़ी के शिकार एक उपभोक्ता ने ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर याचिका दायर की। उत्तर प्रदेश के UMCA ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी के शिकार अमरजीत कुमार ने उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर कर बताया कि किस तरह कंपनी ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। कंपनी की तरफ से एक ऐप लॉन्च कर बेचा गया था जिसके माध्यम से डिजिटल पेमेंट और रिचार्ज होता था। कंपनी ने अमरजीत सिंह को जिले के डिस्ट्रीब्यूटर बनाया था। कुछ महीने कामकाज ठीक चला, इसके बाद एडवांस के तौर पर 1.5 लाख रुपए अमरजीत ने कंपनी को दे दिए। कंपनी को 1.5 लाख रुपए मिलते ही उसने ऐप को बंद कर दिया। इस मामले में मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने बताया कि कंपनी के क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी की है। इस मामले में 2 लाख रुपए हर्जाना समेत 3,80,000 रुपए का दावा किया जा रहा है। ये मामला यह है कि एक उत्तर प्रदेश की एक कंपनी है UMCA ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रिचार्ज वगैरह के लिए अपना ऐप वगैरह सब लॉन्च किए हुआ है। इसमें एक व्यक्ति हैं जो कि इस केस के परिवादी हैं, अमरजीत कुमार। इन्होंने क्या किया कि यहाँ से एक इस ऐप के माध्यम से एक डिस्ट्रीब्यूशन सीप इन्होंने लिया, जिसकी स्वीकृति कंपनी के द्वारा दिया गया। 2-3 महीना तक इन्होंने बहुत अच्छा से काम भी किया, कंपनी का बहुत अच्छा सेवा भी रहा। बाद में चल करके क्या हुआ कि जैसे ही 1.5 लाख रुपये एक कंपनी के पास में दिए और एडवांस रिचार्ज का जैसे ही इन्होंने रिक्वेस्ट डाला, 1.5 लाख रुपया दिया, उसके बाद में क्या कंपनी क्या किया कि कंपनी 1.5 लाख रुपया को अपने पास में रख लिया और उस ऐप को बंद कर दिया और इनकी जो अमरजीत कुमार की सर्विस को ठप कर दिया। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सेवा में कमी की यह कोटि का मामला है, जिसके कारण परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में इसमें एक मुकदमा दर्ज कराया है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के अगेंस्ट में, और इसमें इन्होंने 2 लाख के कंपनसेशन का भी इन्होंने अपना परिवाद दिया है। कुल इसमें 3,80,000 रुपये का राशि के वापसी के लिए हम लोगों ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष में यह परिवाद को आज दाखिल किया है। चंद्रशेखर भवन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 22वां जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मंगलवार को मिठनपुरा स्थित चंद्रशेखर भवन में 22वां जिला सम्मेलन मनाया गया। इस अवसर पर कार्यालय में पार्टी ने झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन के बाद लेलिन के गीत गाए गए। इस दौरान पार्टी के राज्य परिषद सदस्य ओम प्रकाश ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा सरकार को राष्ट्रीय कलंक बताया। उन्होंने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस को बचाने के लिए भाजपा सरकार को गद्दी से हटाना जरूरी है। भाजपा पूरे देश में विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहती है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई राज्यों में सरकार गिराकर बनाया गया। भाजपा पूरे देश में विजय रथ चला रही थी, जिसे बिहार ने 9 अगस्त
2022 को रोक दिया। 9 अगस्त की बिहार की राजनीतिक घटना ऐतिहासिक है। इसे पूरी दुनिया के अखबारों में छापा गया और इसकी चर्चा की गई। बिहार एक ऐसा बड़ा आंदोलन होगा और 2024 में भाजपा को गद्दी मुक्त किया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला का ये 22वां जिला सम्मेलन है। हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 14 से 18 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा में होने जा रहा है। उससे पहले पार्टी का राज सम्मेलन बांका जिले के धोरैया में 18 से 21 सितंबर को होने जा रहा है। ये राज सम्मेलन, ये जिला सम्मेलन और ये शाखा और अंचल सम्मेलन पार्टी महाधिवेशन की तैयारी का एक हिस्सा है। हम लोग नियमित सम्मेलन 3 बरस पर करते हैं, लेकिन ये कोरोना काल के बाद चलते ये 4.5 वर्षों के बाद हमारा सम्मेलन हो रहा है। इस समय देश की गद्दी पर एक प्रतिक्रियावादी सरकार बैठी हुई है। आजाद भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कलंक है कि देश की गद्दी पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। संविधान, लोकतंत्र, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया सब खतरे में है और ऐसी स्थिति में हमारा ये सम्मेलन हो रहा है। हम लोग इस पर विचार करेंगे कि इस प्रतिक्रियावादी सरकार को देश की गद्दी पर कैसे हटाया जाए। आपने देखा कि विगत दिनों जो चुनी हुई सरकार थी ये चाहती है कि विपक्ष मुक्त भारत बने। इन्होंने मध्य प्रदेश में हमारी जो सरकार थी उसको पैसे के बदौलत में गिरा दिया, महाराष्ट्र में गिरा दिया, गोवा में गिरा दिया। इनका ये विजय अभियान चल रहा था, लेकिन बिहार में इस विजय रथ को रोक दिया। 9 अगस्त 1922 को जो इनका विजय अभियान था रुका, 22 को, 9 अगस्त 22 को ये रुका विजय अभियान इनका। और आप देखिए कि जहां ईडी सीबीआई सबके डर से सब लोग थरथरा रहा है, वहां पर बिहार में बीजेपी की सरकार को जैसे दूध में से मक्खी को निकाला जाता है, निकाल के फेंक दिया। ये एक ऐतिहासिक काम है। बिहार का ये राजनीतिक घटना की चर्चा भारत ही नहीं दुनिया के कई अखबारों में हुई है। ये आने वाले मील का पत्थर साबित होगा और हमारी पार्टी इस घटनाक्रम का, इस राजनीतिक घटना का समर्थन करती है और 2024 में मोदी के लिए ये भारी पड़ेगा और वह देश की गद्दी पर नहीं आएंगे। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, AIIMS, NEET, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, AIIMS, NEET, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and Target. अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरियागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट
www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiya Ganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशियाओं को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहाँ नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST इंटरनेशनल स्कूल, इफ यू वांट टू गिव योर चाइल्ड अ स्ट्रांग फाउंडेशन, द स्कूल ऑफ योर ड्रीम, प्ले टू 10th बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड शेखपुर अखाड़ा घाट मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757652616 एंड 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना, हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है, क्लासरूम सारा बना हुआ है, CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है, सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है, हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है, कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं, हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैक बेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा सियाराम की कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है, तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन BV कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722।
हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में है। टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। SKMCH में भर्ती किडनी कांड की पीड़िता से मिलने पहुंचे सांसद अजय निषाद ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग सरकार से की। झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में किडनी गंवा चुकी सकरा की सुनीता देवी की जिंदगी डायलिसिस पर चल रही है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में उनका डायलिसिस किया जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है। इसी दौरान मंगलवार को सांसद अजय निषाद, पूर्व विधायक बेबी कुमारी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का हाल जाना। साथ ही उन्होंने प्रभारी अधीक्षक से बातचीत कर इलाज की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करके बताया कि सरकार के द्वारा इलाज के लिए PHC और मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, इसके बावजूद इस तरह की घटना जान और पैसे के अभाव में होती है। इस घटना की उचित जांच और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग सरकार से करते हैं। देखिए, यह बेहद गंभीर और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक निजी नर्सिंग होम के संचालक के द्वारा एक गरीब दलित महिला का मरीज किडनी निकाल लिया गया है, वो भी एक नौसिखिए डॉक्टर के द्वारा, जिनके पास न डिग्री है न कुछ हो, जो आम चाल के भाषा में झोला छाप डॉक्टर जो बोलते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार के संज्ञान में आना चाहिए कि जितने भी अवैध नर्सिंग होम जिस तरह के चल रहे हैं, जहां पर बिना डिग्री के नर्सिंग होम चल रहे हैं, उस पर सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और संचालक को जेल भेजना चाहिए और इस ऐसे क्लिनिक को बंद करना चाहिए। क्योंकि होता है कि धीरे धीरे लोग का प्राइवेट इलाज पर से विश्वास उठ जाता है। ऐसा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी बढ़िया इलाज करते हैं, लेकिन इस तरह का इलाज जो है वो बिहार में हम लोग को मंजूर नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे तेजस्वी यादव ही स्वास्थ्य मंत्री हैं? देखिए, माननीय तेजस्वी यादव से आग्रह करेंगे, चूंकि ये मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा के दलित एवं गरीब महिला है और पैसे के कारण जो है इसके साथ घोर अन्याय हुआ है, तो बिहार सरकार इस पर संज्ञान ले, मरीज को पटना में एडमिट कराए और किसी तरह से किडनी की भी व्यवस्था करे ताकि मरीज जो है ये सर्वाइव करे। अच्छा, एक चीज और है, तेजस्वी यादव PMC का भ्रमण किए और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 8 दिन का अल्टीमेटम भी दिए हैं, तो क्या कहेंगे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था, क्यों लोग जाते हैं झोला छाप डॉक्टरों के पास? एक मौत भी हो गई उसी इलाके में झोला छाप डॉक्टर। सबसे बड़ा चीज है, इन लोग का फेब का जाल बहुत लंबा है। जितने भी एम्बुलेंस चालक है ये भी क्या करते हैं, सबसे जो कंडम हॉस्पिटल है वहीं को मरीज को ठग के ले जाते हैं और लंबा चौड़ा बिल भी बनवा देते हैं जो गरीब मरीज है या तो रिलेशन से उधार। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ढेर सारी सुधार की जरूरत है और माननीय तेजस्वी जी पहल कर रहे हैं, ये भी उनका जो कदम है वो स्वागत पूर्ण योग है, ऐसा उनको लगातार करना चाहिए। और सिर्फ PMCH नहीं है, बिहार के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, SKMCH में है, दरभंगा में DMKH है, जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं जहां मरीजों की बहुत काफ़ी संख्या है, जैसे SKMCH ही है, आप मुजफ्फरपुर लीजिए, आप काफ़ी मरीजों की भीड़ रहती है, तो सुविधा भी उस हिसाब से पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर, पर्याप्त मात्रा में दवाई, पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर बिहार का केंद्र है और पूरे लगभग 5 जिला से मरीज यहाँ पर आते हैं। एक सवाल और है कि आखिर क्या कारण है कि आज भी झोला छाप डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग मजबूर हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ज्ञान का अभाव है, पैसा का भी कमी रहा। निर्वाचन सूची में आधार को जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मिठनपुरा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निर्वाचन सूची में आधार को जोड़ने और प्रमाणीकरण के लिए निर्वाचकों के आधार संग्रहण हेतु जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रणव कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिया कुमार, SDO पूर्वी समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का पहल निश्चय ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। कार्यक्रम के लाइव डेमो और अन्य विद्यालयों से कनेक्शन से और भी लोग जागरूक होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने के कई
पद्धतियां हैं, पर लोकतंत्र ऐसी प्रणाली है जहां 18 प्लस के व्यक्ति सरकार चुनती है। निर्वाचन सूची के डुप्लीकेसी से मुक्त कराने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। आधार सीडिंग जो होने से वोटर का पहचान सुलभ के साथ प्रमाणीकरण भी होगा। पपत्र 6 ख की जानकारी देके आधार संख्या जोड़ा जा सकता है। सभी बच्चों को पपत्र उपलब्ध कराया गया है जो अपने अभिभावकों से भरवा कर विद्यालय को लौटा देंगे, जिसके बाद उनका आधार सीडिंग किया जाएगा। युवा वर्ग से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आप भविष्य हैं, इस लोकतंत्र को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में आगे बढ़े। इससे पहले लघु नाटिका वादन गीत के माध्यम से जागरूकता संदेश का प्रचार किया गया। इससे संबंधित बेहतर चित्रांकन करने वाले विद्यार्थी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। देखिए, ECI के डायरेक्शन के तहत जितने भी वोटर्स हैं, स्वैच्छिक आधार पर उन वोटर्स को के वोटर ID को आधार के साथ उसको कनेक्ट करना है, और इसके लिए स्वैच्छिक आधार पर हम लोग जितने भी वोटर्स हैं उनसे आधार प्राप्त कर रहे हैं, या उनके माध्यम स्वयं वोटर्स भी अपने स्तर से ही NBSSP पोर्टल और अन्य साधनों से अपने आधार कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त BLO के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार कराया जा रहा है और काफ़ी बेहतर प्रगति हुई है। सभी वोटर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और लगभग 50% से भी ज़्यादा वोटर्स ने अपने आधार को यहाँ पर वेरीफाई कराया है, और इसी क्रम में हम लोग और प्रचार प्रसार करते हुए प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और इंद्रप्रस्थ स्कूल के तत्वावधान में आज यहाँ बच्चों के माध्यम से उनके जो गार्जियंस हैं, जो भी उनके घर में वोटर्स हैं, उनको भी प्रपत्र 6B जिसके माध्यम से आधार की सहमति प्राप्त की जा रही है वो कलेक्ट करा करके उनका भी आधार ऑथेंटिकेशन विथ वोटर ID कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर यह बैठक और यह वर्कशॉप आयोजित किया गया था, जिसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर सभी लोगों ने हिस्सा लिया, और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि काफ़ी बेहतर आधार और वोटर ID का जो ऑथेंटिकेशन होना है काफ़ी बेहतर इस जिले में संभव। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सभागार में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का बाड़वा जिला सम्मेलन मंगलवार को कलमबाग चौक स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सभागार में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कामिनी देवी, प्रमिला देवी और रेखा देवी ने संयुक्त रूप से की। इस अवसर पर एडवा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपड़ी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि 400 में सिलेंडर मिलता था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से महंगाई बढ़ती जा रही है और अब वही सिलेंडर 400 के बजाय 1200 रुपए में लेना पड़ता है। वही महिला सुरक्षा पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। वही उन्होंने बताया कि जिला सम्मेलन के बाद 15 और 16 अक्टूबर को राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा, जिसमें 3 वर्षों के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। इससे पहले हम लोग 22 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे, जिसमें मुजफ्फरपुर से भी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल होगी। हमारा संगठन अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का पूरे 3 वर्षों पर हर एक स्तर का सम्मेलन होता है, और ये हमारा सम्मेलन जिला का हो रहा है। आज 15-16 अक्टूबर को गया में राज्य का सम्मेलन होगा। हम यहाँ से राज्य सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे और एक 3 वर्षों के लिए कमेटी बनाई जाएगी, सचिव अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, और मुख्य रूप से इस सम्मेलन का जो हमारा प्रस्ताव है वो प्रस्ताव है कि आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई का सबसे बड़ा असर महिलाओं के ऊपर पड़ रहा है। आप 2014 में 400 रुपया गैस सिलेंडर का दाम था, आज वो सीधे 1250 रुपया हो गया है। 35 से लेकर के 40 रुपये किलो आटा का दाम हो गया है, सरसों तेल 200 रुपया हो गया है। इसके अलावे भी तमाम खाद्य पदार्थों पर जो GST लागू करने से और ज़्यादा लोगों की हालत ख़राब है, और ये सरकार जो बड़े लोग उपयोग करने वाले चीज़ हैं उन चीज़ों की कीमतें घटा रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा इस सम्मेलन का है। दूसरा मुद्दा है कि आज महिला सशक्तिकरण की बात तो बहुत हो रही है अपने अपने मंचों से। शराब का कह रहा है कि जो शराब का हम बंद कर दिए हैं, बेटी बचाओ की बात कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो होम डिलीवरी हो रहा है और ज़्यादा शराब
जो है थोक के भाव से शराब निकल रहा है। तो ये जो है शराब बंद नहीं हुआ है, शराब माफिया की चांदी हो गई है, महिलाओं के ऊपर हिंसा की घटना बढ़ गई है। और इन तमाम मुद्दा को लेकर के जनवादी महिला समिति हम मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार भर में आंदोलन करेंगे और आगामी 22 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में हमारे कई जन संगठन हैं जिनको लेकर के हम जमीन का मुद्दा, जन वितरण प्रणाली में बहुत लोगों का नाम अभी नहीं है उनको राशन का सवाल, महंगाई के खिलाफ इस पर प्रदर्शन होगा और मुजफ्फरपुर से भी बड़ी संख्या में महिलाएं जाएंगी। निजी होटल के सभागार में हिंदी दिवस के पूर्व संध्या पर उर्दू फोरम द्वारा काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर उर्दू फोरम के द्वारा माड़ीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में हिंदी उत्सव एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रदेश संयोजक मोहम्मद रफी ने बताया कि गंगा जमुना की तहजीब जो भारत की पहचान है उसको जिंदा रखने के लिए और भाईचारा का संदेश देने के लिए आज हिंदी उत्सव मनाया जा रहा है। इसके जरिए हम यह दिखाना चाहते हैं कि हिंदी हमारी पहली राष्ट्रीय भाषा है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और सम्मान करते हैं। और तब हम उर्दू जो कि भारत की द्वितीय भाषा है उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब जो भारत की पहचान है उसको जिंदा रखने के लिए और भाईचारा का एक मैसेज देने के लिए उर्दू फोरम मुजफ्फरपुर ने जश्न हिंदी मनाने का बहुत बड़ा काम किया है। और इसके ज़रिए से हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हिंदी हमारी पहली राष्ट्रीय भाषा है जिसका हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं। और उसके बाद तब हम उर्दू जो द्वितीय भाषा है उसके लिए हम लोग जो है प्रयासरत रहते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। इसलिए आज का ये यही मैसेज है कि जश्न हिंदी के ज़रिए हम एक भाईचारे का पैगाम देना चाहते हैं, मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। आमगोला स्थित एक निजी भवन के सभागार में महानगर जदयू की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया। जनता दल यूनाइटेड के आगामी संगठन चुनाव को लेकर जदयू नेता एवं कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। नए संगठन निर्माण के लिए जिला से लेकर पंचायत स्तर तक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत महानगर जदयू की ओर से मंगलवार को आमगोला स्थित एक निजी भवन के सभागार में सदस्यता अभियान आयोजित कर शहरी इलाके में सदस्यता अभियान चलाया गया। इसमें शामिल नेता एवं कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदस्य बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार ने बताया कि पार्टी के निर्देशानुसार 8 नवंबर को संगठन का चुनाव होना है, इसी की तैयारी की जा रही है और नए लोगों को संगठन से जोड़ा जा रहा है। अभी जिले में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और सदस्यता अभियान संपन्न होने के बाद चुनाव होगी, फिर से राष्ट्रीय स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक नई कमेटी का गठन होगा। पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन का चुनाव होता है और वही संगठन का चुनाव हमारे दल का निर्धारित हुआ है जो आज उसका शुभारंभ किया जा रहा है। कब है चुनाव कब? 8 नवंबर को चुनाव होना है। आज उसका क्या हो रहा है? आज सदस्यता अभियान, सदस्यता ग्रहण कराने का सदस्यों के बीच जो है उस अभियान का शुरुआत किया जा रहा है। कमेटी भंग है? कमेटी भंग नहीं है, कमेटी रहेगी, सदस्यता अभियान चलेगा। पर पहले पंचायत स्तर पर, उसके बाद प्रखंड स्तर पर, फिर महानगर स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता ग्रहण कराया जाएगा। और इसी के अनुरूप चुनाव दल का होगा और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होकर संगठन बनेगा। एमएसकेबी परिसर में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने पूरा दमखम दिखाया। जिला कबड्डी संघ की तरफ से एमएसकेबी खेल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता के पहले दिन मंगलवार को 4 टीमों ने भाग लिया। इन चारों टीम में से विजयी टीमों के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में अंदर 19 बालक बालिकाओं ने भाग लिया है। पहले दिन MDDM कॉलेज, RDS कॉलेज, RBVM कॉलेज और MSKB कॉलेज के बीच कबड्डी का खेला हुआ। इस प्रतियोगिता में शहर के प्राइवेट एवं सरकारी स्कूल के बच्चों ने भाग लिया है।
प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ी को कबड्डी संघ की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें राज्य कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर बालिका खिलाड़ियों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बालिकाओं का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस दौर में लड़की व लड़कों में कोई अंतर नहीं है। पहले अभिभावकों को दबाव होता था, लड़कियां कबड्डी नहीं खेलेंगी, लेकिन अब अभिभावक हर क्षेत्र में लड़कियों का साथ दे रहे हैं। अभिभावक के साथ के वजह से आज पूरी दुनिया में लड़कियां परचम लहरा रही है। चाहे जो भी खेल हो या कोई उच्च पद हो, सभी पर लड़कियां आसीन हैं। इसमें सफल प्रतियोगियों को संघ की तरफ से परीक्षण देकर राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता खिलाया जाएगा। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन के तत्वाधान में 3 दिवसीय कबड्डी चैंपियनशिप हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, जिसका आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन का हाल अभी ये जो लीग प्रोसेस मैच चल रहा है, हमारे दूसरे दिन में संजेवियर्स की टीम, RDS कॉलेज, RPS स्कूल, इंद्रप्रस्था, MDDM कॉलेज, सभी जगह की टीम अपने आगे की पड़ाव में जा रही है और लीग के बाद हमारा सेमीफाइनल और फाइनल आज वक्त रहे तो आज होगा, अन्यथा कल मॉर्निंग में होगा। मेरा मैसेज ये रहेगा कि लड़कों को और लड़कियों को दोनों को समान रूप से मौका मिलना चाहिए। लड़कियां अवसर की तलाश में रहती हैं कि उन्हें भी मौका मिले और वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही अच्छा खेल सकते हैं, लड़कियां भी अपना बेस्ट दे सकती हैं जितना उनसे हो सके। तो दोनों को मौका मिलना चाहिए। समाज में विजन, हमारा जो देखने का नजरिया है, वो क्लियर होना चाहिए। दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को बराबर रखा जाए। और धीरे धीरे हम लोग भी इस प्रयास में हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स में पार्टिसिपेट करें और इस लिए प्रयास करें ताकि इक्वालिटी आ सके। हमारा सोसाइटी अभी भी मेल डोमिनेंट है और पुरुषों को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है हर चीज़ में, बट लड़कियों को उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता। तो हम लोग इस चीज़ के प्रयास में हैं कि ज़रूर से ज़रूर हम लोग अवसर मिले हमें। और प्रेसिडेंट तक महिला ही है, हाँ, तो इस देश की प्रेसिडेंट एक महिला है। उन्होंने अपना बेस्ट प्रयास किया, जितना हो सकता था उन्होंने अपना पैसा दिया और आज के समय में इक्वालिटी को एक लेवल पे लाने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को अवसर मिलना चाहिए, इसीलिए उन्हें मौका मिला। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।